किसान आंदोलन ने एक बार फिर से जोर पकड़ा हुआ है। किसानों की 13 फरवरी से शुरू हुई दिल्ली कूच को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा रखी है और सारे बॉर्डर को सील किया हुआ है। तो वहीं किसान और सरकार के बीच कोई समाधान निकलता भी नहीं दिख रहा। इसी बीच अब किसानों ने आंदोलन को और बड़ा बनाने का फैसला किया है। क्या है वो फैसला, इसी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंटोर, आप देख रहे हैं खबरफास का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि लोन माफ करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर हजारों किसान खन्नौड़ी और शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन के बीच अब किसान नेता जोगिंदर सिंह उगराहन ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। यही नहीं, 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने खन्नौड़ी बॉर्डर पर जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी किसान के परिवार को मुआवजा देने की मांग की है और कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हो। सरवन सिंह पंडेर ने की मांग। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने खन्नौड़ी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि खन्नौड़ी बॉर्डर पर हुई झड़प में आंदोलनकारी शुभकरण की मौत हो गई थी और 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद किसान नेताओं ने 21 फरवरी को 2 दिन के लिए दिल्ली मार्च रोक दिया था। किसानों की क्या है तैयारियां? जानकारी के मुताबिक 26 फरवरी को किसानों ने अमृतसर हाईवे और शंभू बॉर्डर सहित स्टेट और नेशनल राजमार्गों पर ट्रैक्टर मार्च करने की योजना बनाई है, जो कि दिल्ली की ओर जाती है। इसके बाद किसानों ने 14 मार्च को दिल्ली में रैली और महापंचायत की योजना बनाई है, जिसमें बड़ी तादाद में किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हमारी मांग है कि फायरिंग की घटना की न्यायिक जाँच की जाए। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।